नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका गार्डनर दोस्त फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देखिए ये मेरा मॉस रोज़ है, इसको मैंने कप में ग्रो किया है। कैसे आप मॉस रोज़ को ग्रो करेंगे छोटा सा छोटा कंटेनर में, उसी के बारे में वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कॉम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक छोटा सा कप में मॉस रोज का प्लांट को लगाया है। ये देखिए सभी ब्रांच में कलियां है, इधर देखिए हर ब्रांच में कलियां है, एक छोटा सा मॉक है और फूल भी खिलना शुरू हो गया है। मॉस रोज समर का एक बहुत सारा फूल देने वाला और बहुत अच्छा फूल देने वाला पॉट प्लांट है। इसको आप हैंगिंग भी रख सकते हैं, मॉक में भी लगा सकते हैं और बड़ा पॉट में भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, येलो कलर का इधर लगा हुआ है फूल। फ्रेंड मग में अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं तो उसका जो सॉइल मिक्सिंग है बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 50% कोकोपीट मिलाया है और 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट, 20% गार्डन सॉइल मिला के मैंने इसका सॉइल मिक्सिंग रेडी किया है। फ्रेंड मॉस रोज सीड से और कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। अभी जो टाइम है इसको आप कटिंग से ग्रो करेंगे तो बहुत जल्दी फूल आ जाएगा। फ्रेंड अभी मैं बताऊंगी इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। इधर देखिए मेरा मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, मैं हर प्लांट पे डालती हूँ। ये छोटा सा कंटेनर में बहुत सारा कलियाँ, देखिए ये सभी में कलियाँ है। फूल पाने के लिए आप ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए अपने प्लांट पे। फ्रेंड ये हर हफ्ते मैं अपनी प्लांट पे डालती हूँ, तभी देखिए फूल का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है और कलियाँ भी सभी ब्रांच में लगा हुआ है। फ्रेंड आशा करती हूँ आप घर पे समर में बहुत सारा मॉस रोज का प्लांट लगाएंगे। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं सभी कमेंट का उत्तर देती हूँ। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेके मिलती हूँ।